जादुई तीन चक्की। एक गांव था परागपुर, वहां सेठ कालिदास नामक एक आदमी रहा करता था। उनके दो बेटे थे। कालिदास काफी दिनों से बीमार थे। काफी इलाज कराने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन, बेटा भोला और टोला, ये लो प्रॉपर्टी के कागजात, मैंने अपनी संपत्ति दोनों में बांट दी है। मैं अब बस कुछ ही पलों का मेहमान हूँ, अब तुम्हें कैसे अपना जीवन जीना है तुम देख लो। जिसके बाद कुछ ही दिनों में कालिदास जी की मृत्यु हो जाती है। वहीं उनके मृत्यु के बाद ही टोला के राव रंग बदल जाते हैं। वो पिता से मिली संपत्ति से खूब ऐश करने लगता है, दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, पार्टी करता है और शान से राजा महाराजाओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहा होता है। वहीं भोला पिता से मिली संपत्ति से बिजनेस शुरू करता है, जिसमें वो सफल होता है। वहीं रोजाना अय्याशी करने के कारण कुछ ही दिनों में टोला की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। और जाओ जुआ खेलो, अब बचाना ठेंगा। कहां महलों में राज करती थी और तुम्हारे कारण झोपड़ी में आना पड़ गया। हाँ तो क्या हुआ, झोपड़ी महल से कम है क्या? जहाँ रहो वहीं स्वर्ग है। कुछ दिनों में तो रोड पर भी आना पड़ सकता है। ये झोपड़ी भी टेम्पररी है, डोंट वरी। हे राम, इस आदमी को सद्बुद्धि दो भगवान, ये पागल हो गया है। झोपड़ी ना रही तो फुटपाथ पर ही रह लेंगे। बोलो क्या गलत बोला मैंने? और सोचो, अगर मेरे जुआ खेलने से अगर हम करोड़पति बन गए तो? करोड़पति का तो पता नहीं, रोड़पति ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं। रूहानी ये सब कह ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक अपने भाई को देखो, पिता की संपत्ति को दो गुना कर दिया है और तुम हो कि सड़क पर ला रखे हो हमें। एक काम करो, जाओ अपने भाई से थोड़ी मिन्नत करो, जरूर वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर टोला भोला के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। वहीं भोला टोला को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। भोला के यहाँ रहते रहते टोला को भोला के पैसे और सारी संपत्ति का अंदाजा हो जाता है। फिर एक दिन, भिक्षा देही। जी बाबा, कहिए। भिक्षा दे दो बेटा। जी बाबा, कहिए ना, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? जो तुम्हारी हैसियत, क्योंकि जो मैं मांगूंगा वो दे नहीं पाओगे बेटे। अरे मांगो तो बाबा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता आपको, वैसे भी आप संत आदमी हो। अच्छा ऐसा है तो लो, मांगता हूँ मैं। मुझे दान में तुम्हारी सारी संपत्ति चाहिए। क्या? हाँ, क्या तुम दे पाओगे? ठीक है बाबा, ले लो आप। मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता। ये लो, ये है तीन मिनी चक्की, तुम्हारा कल्याण हो। फिर भोला बाबा बने टोला को अपनी सारी संपत्ति दान करके तीन मिनी चक्की लेकर अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाता है। ये भोला तो सच का भोला है, अब वो खाए दर बदर की ठोकर, मैं तो आराम करूंगा। वहीं भोला अपने परिवार के साथ दर बदर भटकने लगता है। ए जी, हम ये तीन मिनी चक्की लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे? हाँ पापा, क्यों ना हम इसे यहीं पेड़ के नीचे जमीन में छिपा दें? हाँ यही ठीक रहेगा। फिर भोला तीनों मिनी चक्की को छिपाने के लिए जमीन में रख देता है और उसके ऐसा करते ही तीनों चक्की बड़ी हो जाती है और उनमें से एक चक्की से आईफोन निकलने लगते हैं, जिसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरी चक्की से पैसे निकलने लगते हैं और तीसरी चक्की से ढेर सारा अनाज। ये सब देखकर भोला और उसका परिवार काफी हैरान हो जाते हैं। बाबा की जय हो, अब समझ आया बाबा ने मेरी संपत्ति क्यों मांगी। फिर भोला उन पैसों से अपने लिए फिर से गाड़ी और बंगला लेता है। वहीं चक्की में मिले आईफोन से वो एक मोबाइल शॉप खोलता है और अनाज को गरीबों में दान करके उनकी मदद करता है, जिससे उसका जीवन खुशी से बीतने लगता है। वहीं टोला फिर से जुए में सब कुछ हार जाता है
और अपनी किस्मत पर रोने लगता है, क्योंकि वो चक्की भी उसने जुए में ही जीती थी।